ये तस्वीर है पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए चंदन राय के परिवार की, जो बेटे के चले जाने के सदमे से आज तक नहीं उबर सका। हाथों में शहीद बेटे की फोटो लेकर नम आंखों से देखती इस माँ की आंखें आज भी अपने बेटे के घर आने का इंतजार करती हैं। बहन की शादी से लेकर छोटे भाई की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी शहीद चंदन के ऊपर थी। चंदौली के लाल चंदन राय बीते साल पाकिस्तानी गोलीबारी में रजौरी में शहीद हो गए थे, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों और सरकार ने तमाम वादे किए, लेकिन शहीद का परिवार आज भी उन वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। परिवार को भविष्य को लेकर दिन रात चिंता सताती है। परिवार के एक आदमी को आश्रित को नौकरी दी जाएगी, दूसरा बोले कि इस पुल का नामकरण शहीद चंदन के नाम से किया जाएगा और उनकी प्रतिमा चहनिया चौराहे पर लगाई जाएगी। ना वो खुद कहे थे, हमने सरकार से कोई डिमांड नहीं किया था, चलाने वाला था लड़का का नौकरी के लिए सरकार बोले थे। एक साल बीत गया, अभी वो भी नहीं हुआ। वादा बहुत कुछ किए लेकिन कोई पूरा नहीं किया। अभी तक आज 14 महीने हो गया, जो स्थिति है सब कुछ सामने है। अभी एक लखनऊ में कांड हुआ था विवेक तिवारी मर्डर पे। जी, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, उनको तुरंत नौकरी भी दे दी है, 40 लाख रुपए नौकरी पेंशन सब कुछ हुआ, ठीक है, बढ़िया काम किए, लेकिन हमारे ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए। सरकार पुलवामा हमले के बाद तमाम दावे और वादे कर रही है, ऐसे में सरकार को अगर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो अब तक शहीद हुए लोगों की कुर्बानी को याद करे और अपने किए गए वादों को भी पूरा करे। जब एक जवान देश की रक्षा के लिए शहीद होता है तो न सिर्फ पूरा परिवार, गांव, बल्कि पूरा देश रोता है। इस दौरान तमाम नेता और मंत्री परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वादे करते हैं, लेकिन समय के साथ ये वादे हवा हवाई साबित होते हैं। कमलेश गिरी, ईटीवी भारत, चंदौली।